नमस्कार अदाब सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो साडा पंजाबी विरसा नेटवर्क। इस नेटवर्क के जरिए असी तमाम पंजाब पंजाबीयत अते पंजाबी गायकी नाल ताल्लुक रखते शख्सियतों नाल तुहाडे रूबरू करते रहने। अज फिर एक ऐसी शख्सियत के बारे गल करांगे, दो गाना गायकी दे बादशाह अमर सिंह चमकीला ते अमरजोत कौर जी। दोस्तों एक यह अजिहा ना है जिसनू इस मंडी दे सेठ ही पंडदे रहे, पर गाका ने कोई नुक्ताचीनी नहीं कीती। इस मंडी दे कुछ गिणवे चुनवे व्यापारियों तो इसकी झुलदी झंडी देखी ना गई। दोहरे अर्थां वाली गायकी नू समर्पित इस चमकीले नू एक दिन परी मंडी नू छड के तुर जाण लई मजबूर होना पिया। सो दोस्तों आखिर गल करदे आ, ब्याह तो शुरुआत करते हैं अज अमर सिंह चमकीला जी ते अमरजोत कौर जी। लगभग 2 महीनों तो अमरजोत ते चमकीले विचाले गल्लां होण लगियां सन ते चमकीला अमरजोत नाल ब्याह करवाउण लई राजी हो गया। उसने केसर सिंह टिक्की नूं पैसे दे के भेजिया कि तू अपने घरदिआं नाल गल करके आ, असीं तेरे घर ही आनंद कारज करवावांगे। जदों केसर सिंह ने अपने माँ प्यो नाल गल कीती तां ओह डर गए। टिक्की ने समझाया कि डरन वाली कोई गल नहीं, 15-20 मिंटां तां सारी गल है। टिक्की सारा इंतजाम करके लुधियाने आण पहुँचया। पप्पू अमरजोत दा भरा फरीदकोट गया होया सी, फगवाड़े जा इन्हां 2 सूटां रेडीमेड अमरजोत लई खरीद ले। 24 मई वाले दिन टिक्की दे घर आनंद कारज वाले रस्मां 15-20 मिंटां च निबड़ गईयां। अमरजोत दे पिता दे फर्ज टिक्की दे पिता सरदार रतन सिंह ने निभाए सन। 29 मई नूं खन्ने कोल पिंड कालेवाल विच प्रोग्राम सी। जदों ये फगवाड़े तो प्रोग्राम दे जाण लई दफ्तर पहुँचे तो शिंगारी अमरजोत कौर नूं देख के उसका भरा बोलिया, बब्बी ये तू चंगा नहीं किया। अगों अमरजोत ने उत्तर दिता, पप्पू तू चुप रह, मैनू जो ठीक लग्या मैं कर लिया। पप्पू बोल चमकीले नूं उच्चा नीवा बोलन लग्या। तां चमकीले ने कहा, जदों मियाँ बीवी राजी तां क्या करेगा काजी। ये गल्लां सारे लुधियाने गायक मंडी च अग वांग फैल गई कि अमरजोत ते चमकीले ने विआह करवा लिया है, क्योंकि इस गल दा पहलां ही सब नूं पता सी। इन्हां दी जोड़ी कामयाबी दी पौड़ी दे सिखरले डंडे नूं हाथ ला रही। चमकीला अमरजोत दे प्रशंसकां ने इस विआह नूं शुभ दस्या। लोग विआहां दीआं तरीकां इन्हां तों पुछ के रखण लगे। कई अपने विआह ते चमकीले दा अखाड़ा लाउणा दी जिद करदे कि जेकर चमकीले दा अखाड़ा ना लग्गिया तां असीं विआह नहीं करवावांगे। कदे कदे 2 जां 3 प्रोग्राम भी हो जांदे। चमकीला तड़ातड़ लिखदा गया। चमकीले दीआं तरजां उसके प्रशंसकों की धड़कन नाल मिचियां जान लगियां। चमकीला हर पासे वजदा सुनिया जान लगा। 8 मार्च नूं फ्लोर दे नेड़े पिंड महसपुर विखे इन्हां दा प्रोग्राम सी, जिस मौके चमकीला अमरजोत हरजीत गिल बलदेव देवी नूं बेपहचान लोकां वलों अश्लीलता दा अंत कह के मुका दिता। एक खबर जंगल दी अग वांग चहूं पासे फैल गई। गायकां ते आम लोकां चे डाढा भै वेखण नूं मिलिया। चमकीले दे भोग ते गिणवे कलाकार ही पहुंचे। जिथे चमकीले ने रिश्तियां दी आड़ पिछे पुजी जांदी भंग नूं लोकां दे रूबरू अपनी बेबाकी शब्दावली नाल कीता, जिसनूं कईयां ने अश्लीलता दा नां दिता। उसने सच नूं सच कहा, उसने सादे शब्दां च डूंगियां गल्लां कीतियां। चमकीले दे लिखे कुछ गीतां दे अर्थ ज़्यादा डगमगाउंदे भी रहे, जिस नाल उस ते लगी अश्लीलता दी मोर होर गूढ़ी हुंदी रही। उसने लोक अखाणा नूं अपने गीतां विच मंजे दी फाल वांग फिट कीता। अपनी गायकी ते गीतकारी नाल अपने आप नूं इन्ना मशहूर कर लिया कि अज तक बच्चे बच्चे दी जुबान ते उसदा गीत गुनगुनाया जांदा है। आम लोकां
नालों कई गायकां ने चमकीले नूं वध अश्लील कहा अते आप भी गीत लुक लुक सुनते रहे। अज लगभग उसके गीतां दियां तर्जां ते गीत लिखे ते गाए जा रहे हैं। चमकीले दे गीतां दियां तर्जां ते बोल लोक मना च रब दे नां वांग वसियां होईयां, क्योंकि चमकीले दे हर गीत विचों रिश्ते ते सभ्याचार ते मालवे दे अखाणा दा आनंद माणिया जा सकता है। वो खांदे पींदियां नूं देख के ना सड़िए, आंढ ते गुआंढ च कदे ना लड़िए। वो खांदे पींदियां नूं देख के ना सड़िए, आंढ ते गुआंढ च कदे ना लड़िए। वैरी घरे जाके भी कदे ना खाईदा, सज्जणा दे नाल धोखा नहीं कमाईदा, सज्जणा दे नाल धोखा नहीं कमाईदा। जो कि एक अटल सच्चाई है, हर शब्द चों रिश्ता ते सभ्याचार ठाठा मारदा है। चमकीले दे गीत अज मोबाइलां दी हैलो टून ते मोबाइलां गड्डियां इंटरनेट डीजे ते रज के सुने जांदे हन। उदा हर गीत लोकां दी जुबान ते इंज चढ़िया होया है जिवें स्कूली बच्चियां नूं मोरनी चेते हुंदी है। ये गीत विहां च अज भी वजदा सुनिया जा सकता है। पहले ललकारे नाल मैं डर गई, दूजे ललकारे च अंदर वड़ गई, तीजे ललकारे नाल ना मेरा लैके सीधा आण के दरां दे विच वज्जिया, पट्टू फिरदा फिरदा शराब नाल रज्जिया। अज तो डेढ़ कु दहाका पहला पिंडा च लगदे रेडियो पीकर वाला नूं कह के लुआया जांदा सी, तेरे भाइयां नाल पै गई दुश्मनी, तेरे नाल पै गई यारी, पंज भाई इक बापू तेरा रिश्तेदारी भारी, हुण तेरी नहीं निभणी छड़ दे वैर ने यारी। कदे कुड़ियां गिद्धे च बोली दे रूप च इस गीत नूं गाउंदियां हन, मेरे यार ने गली दे विचों लंघना नहीं कुड़ियो राह छड़ दियो। ते कदे इक इउं दसदी है ते कदे इक इउं दसदी है, लोकां नूं किसे दा घर वाला वैली नहीं होना चाहिदा। जिस नूं चमकीले ने अपने कला ते आवाज़ नाल दमदार बना के पेश कीता। ठेके ते बैठा रहिंदा खोल के बोतल मूहरे, पंज सत्त बहिंदे रल के वैली कर दिंदे काटे पूरे। डक्का ना दोहरा करदा कटदा दुआला नहीं, वैली ना किसे तीवी दे होवे घर वाला नहीं, वैली ना किसे तीवी दा होवे घर वाला नहीं। कदे चमकीला उदास होया लिखदा है, एक प्रेमी दी भावना नूं अपने शब्दां दी इउं दिंदा है, ते जदों गा के गमगीन आवाज़ च सुन नाल मेचदा है तां रज नहीं आउंदा रस माणदिआं। बाहां गोरियां गले दे विच पाउंदी सैं घर याद कुड़े, किते चमकीले छड़े जेठ दी गल नूं इस तरह भी लिखदा है ते आप भी गाउंदा है। अधिए दा नशा चढ़ गया दर्शन तेरे करके नहीं। चमकीले दे गीत इस करके भी लोकां दी जुबान चढ़े क्योंकि वह रिश्तियां ते प्रेम दियां तंदां नाल बुने हुए सन। वह सादी गल नूं भी कहन दा अंदाज रखदा सी। द्योर भरजाई जेठ अते होरना रिश्तियां विचाली नोक चोक, एक द्योर अपनी भरजाई दा तरला इस तरह करदा है, भाबीए परिंड रंगीए भुन खट लै बना दे साडी जोड़ी। सो दोस्तो ये सन अमर सिंह चमकीला जी दे नाल कुछ जुड़िया गल्लां अहम, किस तरह उन्होंने हर रिश्ते नूं बयान किया अपने गीतां राही। श्रोतियां वालों भरपूर प्यार दिता जांदा है उन्होंने गीतां नूं। अज बच्चे भी सुनते हैं, बजुर्ग भी सुनते हैं, जवान भी सुनते हैं। तो दोस्तों इस तरह तुहानू समय समय से पंजाब पंजाबीयत ते पंजाबी गायकी बारे जाणू करवाते रहेंगे। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो लैके, हुण लई दिओ इजाजत प्री डुगरी दे नाल साडा पंजाबी विरसा। धन्यवाद दोस्तों।